हाय गाइस, कैसे हो सारे? आज जा रहा हूँ यार टॉप बॉक्स लगवाने। टॉप बॉक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी छोटा मोटा सामान जब निकालना होता है लॉन्ग राइड्स पे, तो यार पूरा मेरे को ना बैग, जो अपना टेल बैग है, उसको खोलना पड़ता है। उसमें टूल किट चाहिए हो या फिर ड्रोन निकालना हो, ड्रोन शॉट लेने हो, तो एक लॉक एंड की सिस्टम हो जाएगा, या फिर लोकल में भी जब कभी राइड करूँगा तो मेरे को हेल्प होगी। हेलमेट भी उसमें रख सकता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ राइडर प्लेनेट, वहाँ देखता हूँ कौन सा पसंद आता है, और फिर एक बार ट्रैम्प में भी जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे भी उनके अवेलेबल हो, वो भी देख लेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट और सभी लोगों के लिए, ट्रैम्प का लेटेस्ट ईसीयू का यार अपडेट आया है। उस अपडेट के बाद जो स्टॉलिंग का इशू था, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा था, कुछ लोगों को कम आ रहा था। हाउएवर लास्ट वीक मैंने थोड़ा सिटी में भी बाइक राइड किया, तो दो तीन बार यार दिन में दो तीन बार मेरे साथ इतना ही हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो इशू उतना भी सोल्व हो गया, शॉर्टेड हो गया है। तो जिन लोगों का अभी भी स्टॉलिंग इशू है इस बाइक में, स्क्रैम्बलर में या पता नहीं स्पीड में भी है, तो वो लोग जाके अपना ECU अपडेट करा ले, और उसके बाद बिल्कुल मक्खन चल रही है। जो RPM का भी जो फ्लक्चुएशन था ना हल्का फुल्का, वो भी बिल्कुल बंद हो गया है, और अब उसके बाद बाइक स्टॉल नहीं हो रही। ये आ गया है राइडर प्लेनेट नारायणा। हेमंत भाई तो लगे हुए हैं यार। ये सारे टॉप बॉक्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो इनमें एक ये है शेड का 29 लीटर्स, और इसके अलावा एक 39 लीटर्स ये रखा हुआ है। तो मुझे ओवल शेप थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाइक पे, अभी रख के देखते हैं। और इसका प्राइस है 67 के अराउंड, और इसका प्राइस है 9000 समथिंग। तो बजट तो ऑलमोस्ट सेम है सभी का प्राइस के हिसाब से, लेकिन अभी एक बार बाइक पे रख के देख लेते हैं। देखिए, GV का 33 लीटर का टॉप बॉक्स है यार ये, मैं बाइक पे रखवा के देख रहा हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई मुझे नहीं चाहिए, सिंपल और थोड़ा बजट में आ जाए वो चाहिए। इसकी शेप ना स्क्वायरिश है, एक्चुअली मेरे को थोड़ा ओवलिश शेप का चाहिए था, जो कि बाइक के साथ एरोडायनेमिक्स में भी और लुक्स में भी थोड़ा सबमर्ज हो जाए। ये भी ज़्यादा अजीब तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट ये साइड से थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये दूसरा ऑप्शन है यार शेड का 29 लीटर्स, ये ओवल शेप में है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, साइड से भी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है और पीछे से भी जगह कम ही लेगा, तो इस शेप का चाहिए। लेकिन ये 29 लीटर है, इसमें एक फुल साइज़ हेलमेट नहीं आएगा। मेरा पर्पज़ तो सॉल्व कर देगा, लेकिन सिटी राइड में जब कभी मुझे हेलमेट रखना होगा तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इसी का ना एक 33 लीटर या 32 लीटर आता है, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो अभी के लिए वो अभी सर्च कर रहे हैं जिस तरह का मुझे टॉप बॉक्स चाहिए। इन द मीन वाइल नंबर प्लेट का मैंने एक यहाँ पे प्लेट मंगवाई थी, वो ऊपर से नंबर प्लेट अब मेरी नीचे आ गई है, और अब लाइट्स की भी थोड़ी पोजिशनिंग जो है उसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो नंबर प्लेट नीचे आने के बाद यार विंडशील्ड थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन काम वही करेगा जो पहले कर रहा था। एडजस्टमेंट हो गई है नंबर प्लेट की ऊपर से नीचे। ये जो अल्फ़ा है मैड डॉग, ये थोड़ा बाहर निकालना पड़ा इनकी रीएडजस्टमेंट करते वक्त। तो अब जो लेग गार्ड है उससे भी बाहर लाइट्स निकल गई है, ये देखिए। तो अब इन केस फॉल होता है तो इनकी सेफ्टी थोड़ा सा कम रहेगी। अभी यहाँ पे शेड का 33 लीटर का टॉप बॉक्स नहीं है, तो इन द मीन वाइल भैया से मैंने बोला है चाहिए होगा तो कल मिल जाएगा, लेकिन इन द मीन वाइल अभी चल के ट्रैम्प पे देख लेते हैं। ट्रैम्प के पास भी एक टॉप बॉक्स तो शायद रखा है, बाजू में ही है, अगर वहाँ कुछ होता है तो वो देख लेते हैं चल के। तो ये निकले राइडर प्लेनेट से और ये पहुँच गए हैं यहाँ पे ट्रैम्प पे, बिल्कुल आस पास में है दोनों ही, तो अब चल के ट्रैम्प पे देख लेते हैं पहले एक बार। घुसते ही हमें मिले पवन जी, सब्सक्राइबर है, तो आज फिर बहुत अच्छा लग रहा है सब्सक्राइबर से मिलके। 10-15 मिनट गॉसिपिंग कर ली है। ये भी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर ओनर हैं और ये अभी 3000 किलोमीटर सोमनाथ की राइड करके आए हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि ये टॉप बॉक्स यहाँ पे ना लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये टॉप बॉक्स है 30 लीटर्स का, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं लग रहा, और इसमें मैंने ना अपना हेलमेट डाल के देखा है, मेरा हेलमेट भी फिक्स इन हो गया है ऑब्वियसली GoPro उतारने के बाद। और यहाँ पे ट्रैम्प की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे ट्रैम्प का लोगो है, और इस पर मैं अपनी भी चैनल की ब्रांडिंग करा लूँगा।
और यार बहुत ज़्यादा ओड भी नहीं लग रहा है, ओवल शेप में है, बस थोड़ा सा महंगा है, 8500 रुपीज़ इसका MRP है। और यहाँ से ये डिटैच हो जाता है ये दबाने से, मैं बाद में दिखाता हूँ क्योंकि ये इनका डिस्प्ले प्रोडक्ट है, और यहाँ से ये प्रेस करने से ये नीचे आता है और ये ओपन हो जाता है इस तरह से, और ये इतना स्पेस नीचे है और इतना ही ऊपर है, मतलब यहाँ तक का सामान हम रख सकते हैं जो कि बंद होने के बाद इसके अंदर ही रहे। तो आई थिंक ये पर्पस सॉल्व कर देगा, क्योंकि शेड का 33 लीटर कल आएगा और वो 7000 रुपीज़ का है, तो फ़र्क 1500 रुपये का है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, देखता हूँ अभी क्या होता है। टॉप बॉक्स लग गया है, घर आ गया हूँ, और यार इसके साथ दो चाबी आती है ट्रायम्फ की ब्रांडिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं इस तरह की दो चाबी आती हैं, बिल्कुल जो ट्रायम्फ बाइक की स्क्रैम्बलर की जो चाबी है एक तरफ से जैसी दिखती है वैसी ये चाबियाँ दिख रही हैं। एक चाबी मैंने इसके साथ डाल ली है, और इसमें आते हैं यहाँ पे तीन बटन, एक सबसे नीचे, फिर लॉक वाला, और एक बटन इससे ऊपर आता है। तो ये दिखाता हूँ मैं इसका पूरा फंक्शन कैसे, किस तरह से अटैच और डिटैच होता है ये। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर लें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बटन ये है, एक लॉक का, एक बटन ऊपर है, और यहाँ पे दी गई है ट्रायम्फ की ब्रांडिंग। तो ये चाबी को सबसे पहले यहाँ पे लगाना है और इस तरह से घुमाना है। अब ये हो गया अनलॉक, ऊपर वाला लॉक कैप खोलने के लिए, और इस बटन को अगर प्रेस करते हैं तो बाहर निकल के आता है। अब ये ऊपर वाली कैप रेडी टू ओपन है, ये अनलॉक हो चुकी है। अब इसके अंदर आप कंपार्टमेंट में जो भी सामान रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और इसको लॉक करने के लिए वापस बंद करना है आपको, और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अंदर पुश करना है इस तरह से, और ये अंदर बैठ गई, अब ये लॉक हो गया है। और अब चाबी इस तरह से घुमा के निकाल लेते हैं। अब ये हो गया है टॉप बॉक्स लॉक। अगर हमें पूरे ही टॉप बॉक्स को डिटैच करना है तो यहाँ से पहले चाबी लगा के इसे अनलॉक करना है, और जो नीचे वाला बटन है उसको हमें तेज़ी से प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करके ऊपर उड़ जाएगा और पूरा टॉप बॉक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीछे दो यहाँ पे ब्रैकेट्स बने हुए हैं और एक यहाँ पे लॉक है। इसी तरह टॉप बॉक्स में भी यहाँ पे दो लॉक बने हुए हैं, ये रहे जो पीछे वाले ब्रैकेट्स में बैठेंगे, और यहाँ पे आगे ये लॉक सिस्टम है, लॉक मैकेनिज्म है, आप देख पा रहे होंगे जिसमें ये बैठता है। अब आप जब चाहें इसे लगा सकते हैं, जब चाहें इसे उतार के अपने घर पे या होटल के रूम में ले जा सकते हैं, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दी हुई है जिसे आप पकड़ के इसे उठा सकते हैं और आराम से ले जा सकते हैं। इसे वापस लगाने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, पीछे दोबारा उन्हीं दो ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं इसका लॉक सिस्टम डालना है इस तरह से, और इसको नीचे प्रेस करना है झटके से, आवाज़ आएगी अटैच होने की। ये जो साउंड आई है इसका मतलब है अब ये बैठ गया है अच्छे से, अब ये फिर से लॉक हो गया है इसमें। टॉप बॉक्स रिमूव करने के बाद जो प्लास्टिक की प्लेट जो लगी हुई है एल्युमिनियम की प्लेट के ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैक्स लोड 3 kg लिखा हुआ है, जिसका मतलब है आप इसमें 3 kg तक का लोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी और हैवी बिल्ड क्वालिटी लगता है, मुझे लगता है 5-6 kg तक इजीली मैनेज कर लेगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो दो छोटे छोटे यार नट यहाँ पे लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, डिज़ाइन में आपको दिख रहे होंगे। अब ये यार इस ये जो प्लेट है ना ऊपर की, ये रिमूव हो जाती है, ये इतना हिस्सा रिमूव हो जाता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और इसे रिमूव करने के बाद इसके नीचे 4 नट लगे हैं, 2 इधर और 2 इधर, जिसकी वजह से ये इस पर जो एल्युमिनियम की प्लेट है उस पर रुका हुआ है, और उस नट बोल्ट को कवर करने के लिए यहाँ पे ये प्लेट लगाई है और यहाँ पे 2 नट लगा के इसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पे ये 4 रबड़ के जो हैं हुक्स भी दिए गए हैं जिस पे ये बैठता है ताकि ये साउंड ना करे। तो यार मुझे ये चीज़ एक बोलनी थी कि ट्रायम्फ ब्रांड का एक तो ये 1500 रुपीज़ के अराउंड मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन यार ये प्रोडक्ट का क्वालिटी देख के ना, और बिल्कुल एग्जैक्ट फिट है हर चीज़ का, ये जो मैंने टॉप रैक प्लेट लगवाई है और ये लगवाई है, बिल्कुल यार अभी तक जो भी मैंने चीज़ यूज़ की है वो ओरिजिनल ट्रायम्फ की यूज़ की है। तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू गाइस कि आप भी यार कोशिश करें, अगर टॉप बॉक्स लगवा रहे हैं तो 6-8 हज़ार रुपये तक अगर आप लगवा रहे हैं तो 8,500 रुपये का आप ट्रायम्फ का ओरिजिनल ही लगवा लें, ये काफ़ी बेटर क्वालिटी बिल्टअप लग रहा है, और लॉकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है,
चाबियों पे भी ट्रैम्प की ब्रांडिंग है, टॉप बॉक्स पे भी, तो एक ना सिमेट्री बनती है पूरी बाइक की। आप हर चीज़ अलग अलग कुछ लगवाएंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा वो होता है। बाकी जिन्होंने जो भी लगाया हुआ है बेस्ट है, जो जिसकी आदत जिसको लग गई है वो अच्छा है। मेन पर्पज़ तो यार इसका लगेज कैरी करना है, बाकी जिसका जैसा मन करे वैसी चीज़ें लगवाए और इन्जॉय करे राइड्स को। मेरा ये मानना था जो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में।